नमस्कार, गुड मॉर्निंग ओडिशा रो ए फ्रेश एपिसोड को पूर्ण थरे आपन को स्वागत करिया पई मु आसी की पहुंची जाई छी शोभा महापात्र। प्रथमतः विश्वकर्मा पूजा रो आपन मानको समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आसंतु आज रही पवित्र दिन रे एते स्पेशल डे रे आम सहित जने बहुत ही स्पेशल गेस्ट अछंती, तांकू आमे स्वागत जणेबा एवं कार्यक्रम को आरंभ करबा। तांकू किछि परिचय देला माने आज रो ए कार्यक्रम टी बदे घंटे जगह 3 घंटा हो जीव, कारण तांको किछि परिचय आवश्यकता नै। आपण तांको देखि देला माने जानि परिबे से कि आम सहित अछंती प्रयोजक संजय नायक सर। सर नमस्कार, एवं तांको धर्मपत्नी अनुराधा मैडम थैंक यू सो मच। आपण प्रथमतः आसी छंती आम चैनल को, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपनको दबा को चाहिबी। सर मुझे कहली कि आपन को मानते परिचय दबाटा मु उचित मन कली जे एते लंबा परिचय आपणकर अच्छे आप देखीदेला मान लोक मैंने जापारे, तो आम दर्शक बंधु मैंने भी आमको आप बहुत खुशी होते आज एत स्पेशल डे रे हमें स्पेशल गेस्ट को पाइ केमती अच्छा सर। बहुत भल अच्छे जारी अच्छे मैडम आपंती अच्छे यू वेरी ब्यूटीफुल मैंने मॉर्निंग तो जेमती सुमने इतने सुंदर काम एंड ब्यूटीफुल थे आपन सेमती ही देखा हो। थैंक यू सो मच, आई एम गुड। तो सर हम आरंभ करबा को चाहे भी आपन जने इतने बड़ किंवदंती पुरुषंकर सुपुत्र स्वर्गत बसंतदायक सुपुत्र केबे सर सब बेले परिवार रे फिल्म सब बेले कला ताकू नहीं कि ही आपन बढ़ी थी, तो से अनुभूति विषय के जानबो से एक्सपीरियंस विषय जानिया को चाहे भी जे चाइल्डहुड टी सबुबले कलाकार मानक गहन रे सबुबले लाइट्स कैमरा एक्शन तार भीतर कटी थी निश्चित भाव। देखो तुम सदा कही आई एम लकी कि ओडिया रो इंडस्ट्री में कि मदद आज्ञा बसन ने घर जन्म होई आज्ञा तनु जन्म बड़ बड़ तनु आज्ञा मैं बापा जो लेवल लोक हां का लेवल तो पहुंची तो परबी नहीं पाखा भी पहुंच ले भी ये मतलब मु फिलहाल पसीली आज्ञा बहुत डर थला आज्ञा बट दर्शक मन घर पे पाइली आज्ञा सर फिल्म इंडस्ट्री ते अपन एंट्री करले से बापा प्रोड्यूसर कथिले आपनकर लुक्स देखि कि आपन में लागु छि आपन भी माने गोटे एक्टर भी हेइ परतै, तो सेटा चूज न करी कि पुनि प्रोड्यूसर माने सेही लाइन ती को चूज करिवार कारण जे तो बापा प्रोड्यूसर थिले आ गया डायरेक्टर थिले आ गया त न मु देखिली पर्दा पछोड रही कि कैप्टन छि करियो आ गया त मजा आ गया न एक्टिंग करिवा त मु प्रथम कहै छिली मु नाचिबिनी नाचे माने आपण पपेट हेबे ने पपेट इयर हेबे आपण नाचा करेबे तेनो बहुत दिन पर बहुत हीरो इंट्रोड्यूस कला पर बहुत हीरोइन हीरोइन को इंट्रोड्यूस कला पर एबे मो भौनी झिलिक आज्ञा झिलिक मोशन पिक्चर्स आज्ञा दरन तेरी आज्ञा से मत बोल दे जान आज्ञा मत से कहला भाई मो पिक्चर तू एक्टिंग करू अच्छा नहीं की कथा मु तो एक्टिंग करनी आज्ञा तो ना भाई तू करबू अच्छा ठीक हो छी से चैट पिक्चर कर सलेनी बट चैट पिक्चर में अच्छी एक्टिंग कर दी तनु से कौन देखला अपन डेब्यू करे हो जो छन एक्टिंग रे मोर ऑलरेडी रिलीज है रिलीज है ऑलरेडी वाओ सर कांग्रेचुलेशंस रुद्रा रिलीज हो तो बहुत ही सुंदर सब ने कहवे किंत कर जी बट मु खुशी कि मो प्रोड्यूसर मो भोनी झिलिक आ गया से प्राउड फील कर छी कि मु जे सब हीरो हीरोइन के इंट्रोड्यूस करतला आ गया मु ता इंट्रोड्यूस कर छी माने अपन को सर सेमती मु कहितन जे फिल्म मेकर नो यू आर द स्टार मेकर यू आर द स्टार मेकर बिकॉज स्टार्स यदि अच्छा इंडस्ट्री रे जो माने भी एग्जिस्टिंग स्टार्स अच्छा समस्त को आप ही ब्रेक दे माने आप अनुभव नहीं जातु भावशान नहीं जातु समस्त को आप ब्रेक दे एंड दोज आर ह्यूज ब्रेक्स माने बोधे आई लव यू माने वन ऑफ द माइलस्टोन्स ऑफ ओडिया इंडस्ट्री माने ओडिया इंडस्ट्री पूरा चेंज 180 डिग्री चेंज हो गला पूरा माने गोटे ट्रेंड चली जमती परिवार रो कहानी संसार रो कहानी ताकू आपण पूरा चेंज करी यूथ यंगस्टर्स को लेके प्रथम बता होची आपण यदि कामर लगन थिबो आ गया सक्सेस 100% पाइबे आ गया सेतो 13 तो फैमिली पिक्चर फैमिली पिक्चर्स हां तो जे टाइम थला हां तो मु कोन मुड असल मरो बट सर सेम टाइम ता आपण जते माने से डिसीजन ता नहीं थिबे टिके डर तो लागी थिबो कारण गोटे ट्रेंड चली छी बहुत डर जे फैमिली पिक्चर काले बहुत डर थला काई बुझी देखु जो आई लव यू कोली आज्ञा तो हॉल में नथला 3-4 दिन मतलब कि फाइट माइंड ब्लोइंग फाइट गीत टमाटर जी तो मैंने सरुदा 3 मास 4 मास बस गीत रेडी कले सर आपण एते कष्ट करथिले से गीत म्यूजिक एल्बम टा पई तो आमे गोटे 2 लाइन के सुनी दबा से गीत रो कारण टिके रिफ्रेश करी दबा मेमोरी को सो आम पाखरे अछि से गीत टी आमे चले को चाहिमु
माने एबे जाय बी इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम बट से गीतर मेलोडी टा एते सुंदर सर माने एबे भी फ्रेश लागो छी एंड सर माने मु से पचरती नुवा हीरो नुवा हीरोइन म्यूजिक आपण नुवा करी की आसी छ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर से जो माने कना हम इतने फर्स्ट गुटे जिंसो करू ना छोटे एस्टैब्लिश हेकि थाए हम ताकु नै के आगु को बढिया को चाहू के सो दैट सेफ प्ले हम करू बट इत्ते गुडे रिस्क फैक्टर थाए कि से जो माने इंस्पिरेशन टा से किमती सर मुसे तो प्रथम कहि मो गुरु छ तो मो बापा बापा मो पिला दिन देखि आसी बापा सबुतरे इन्वॉल्व रहंती अच्छा समस्त कहंती डैड रहू छ कैप्टन ऑफ द शिप बट मो कहे प्रोड्यूसर हो छ कैप्टन ऑफ द शिप ओके प्रोड्यूसर डिसीजन हो छी मेन सपोज मोडे फालतू डायरेक्टर ले गेली पछि बुढी गला आ विशेष कर मु सब फिल्म जे आरंभ करे मोर सात आठ मास मु घरे सुएनी अच्छा राति दिटा सुए भी सकाळ 6 उठि भी मु मेसेज जानि छी मो टाइम न थाए मु काम काम आ मु जो फिल्म आरंभ करे चैलेंज आरंभ करे ए जो गीत देखु गीत काय बनुवा लउ छी मोर आर्टिस्ट मन सपोर्ट करले माने मु जे प्रोड्यूसर एक्टिव रहइबो सब एक्टिव रहिबे ए गीत करे म भाइज जाइथिलि जेतु फर्स्ट टाइम म फिल्म प्रोड्यूसर करथिलि सो फ्रेंडशिप गणन प्रधान बॉस म गेल संग मुन्ना म संगटा बोल मुन्ना बॉस दे म नै जिबि तबे लोके संग नै जा बसा दे देला बट मते बरमपुर अटके देला सिटी बॉर्डर रे अच्छा कि तमे टैग दियो ये दियो कहि बंद गुडी नै म नै गेले डन चालू जाई बुलुल गीत रे आइलु द रिजल्ट देखो तो वाओ सर त म प्रत्येक क्षेत्र जगी रहे तेनु सेदि कहे प्रोड्यूसर जी कैप्टन दिस शिप प्रोड्यूसर पैसा लागो जी प्रोड्यूसर रो तेन मु सब प्रोड्यूसर न कहे तुम इन्वॉल्व हो एक्चुअली सर कौन हुए ना जते बेले कोटे फिल्म ते तैयारी हुए सब टेक्नीशियन से जों तो डायरेक्टर से जों तो एक्टर दे आर पेड बट प्रोड्यूसर आफ्टर माने फिल्म रिलीजेस जेले पिचर रिलीज हो समस्त पैसा नहीं पड़ेबे पड़ेबे बस खाली दी हिट हला पैसा पाई प्रोड्यूसर फ्लॉप हो गेला नाम से एकदम सब प्रोड्यूसर कहे निजे इन्वॉल्व हो आगे करे तोर पैसा लागो छी मैडम मोर सक्सेस मेन कारण होची प्रत्येक क्षेत्र रे किंतु आपणकर लाइफ रे जे कैप्टन ऑफ द शिप तांको पाखु टिके जीवा को चाहिले मैडम आपण सुगृहिणी संगरे जने समाज सेविका मध्य तो सर कर लाइफस्टाइल को अडॅप्ट करबा पे आपनको टाइम लागितला आपणकर फिल्म इंडस्ट्री रे पदे आपण दूर दूर जाय टिके माने दूर रे रहंती तो सर कर फिल्म इंडस्ट्री कन आमी जान छु ग्लिट्स एंड ग्लैमर एंड एवरीथिंग तो टाइम लागितला एडजस्ट करिया पे बहुत टाइम लागितला बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दैट फैमिली फिल्म फैमिली मोर लाइफ रे भी फर्स्ट फिल्म मु आसी की ओडिया फिल्म देखली बाहला परे आगुरु मते मो ससुर डाकी थेले कलिंग स्टोरी देखिया पे जसोदा तांकर रिलीज हबार थिला दैट वाज माय फर्स्ट मूवी सो बहुत टाइम लागिलानी बट मो फादर इन लॉ बहुत मते मो झियो बलिया करकी रखिले सो बहु बलिया मु केबे रहिनी ना मूवी प्रोडक्शन भी जाए तांका संगे रे पूरा शूटिंग रे जाए फुल होल डे शूटिंग रे भी रहे ओके पूरा प्रोडक्शन इन्वॉल्व होई के पूरा हां ऑल क्रेडिट गोस टू माय फादर किंतु देखा हैला किंतु माने फादर इन लॉ फादर देखा करेले ना आपण निजे टिके ना एक्चुअली मते बहु करके आंचती मो फादर इन लॉ ओके तो सीए मते देखि कि आमे दियन दियन को देखि नथिलु देखि नथिले ना ने मु घर कहिथिली अच्छा ए फिल्म में रह कि मु घर कहिथिली बापा बा जोडी जे ठीक करबे आके बापा ये देखी बहुत ही माने माने बढ़िया झियोटी ठीक करी के आनी छन सो इट्स अ फुली अरेंज्ड मैरिज फुली अरेंज्ड अरेंज मैरिज परे तापर अपन तले आसी थिबे जे अपन गोटे नॉर्मल हमर माने बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री चक्का चौन देखी कि ये सब कौन हो छी भाभी थी निश्चित हां मु बाइटली 21 इयर्स मते इतले हेतला आज्ञा इत्ते टेंडर एज रु यस आज्ञा तो सेत बळे मते सेंती लागे खेळ फिल्म देखिया को जाउ जने हम भी शूटिंग देखिया को जाउ मजा लागे सेंती टाइम पास हे सेंती टाइम पास हे तो ता पर ले सर प्रोड्यूसर हेले माने माने इमते सब बळे ग्लॅमर सांगरे रहिले हीरोइन्स माने रहिले एक्टर्स माने रहिले जेहेतु आपण वाइफ तो टिके माने हुए जेलसी हुए जे कोनो इते माने लेट जाय काम हो छी हीरोइंस माने अछंती एवरीवन ब्यूटी इज अराउंड तो टिके ना बिल्कुल जेलसी फील हुए नी बिकॉज़ आमे जॉइंट फैमिली रे वी स्टार्टेड माने मोर लाइफ स्टार्ट विथ जॉइंट फैमिली आ सकाळु राती पंदा आमे देखु खाली फिल्म टॉक आमे डाइनिंग टेबल रे भी ससुर आमो संगरे ही कहबे अरे फिल्म नाटक चॉइस कुछ केमथि लागु देखिलु अच्छा एडा भल लागु छै ने नै ए गीतरा दे सुनिलो तो हमर पूरा सकाळ मॉर्निंग रु राती पंदा खाली फिल्म सो हम किछ असर भी हुए नहीं हमर फिल्म आरंभ हुए आज्ञा हमर फैमिली इन्वॉल्व होती है ना हमर घर से बंद ही है अच्छा
ଆମେ ତଳେ ରୋଷେଇ ହେବ, ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେବ, ମାନେ ଏକା ରୋଷେଇ, ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ ୟୁନିଟ୍ ସେଇଆ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶି ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ଯଦି ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତ ମେନ୍ ସୁଇଜ୍, ମାନେ ସବୁ ଅଳି ଆରି ପାର କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆ ଥ୍ରୁ ଯାଇ ମୋ ପାଖ ଆସିବେ। ସେଇଟା ତ ସତ କଥା ସାର୍, ମାନେ ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଟୁଟେ ରାଗିବ ଭାଉଜୁ ଧରିକି ମୋ ପାଖ ଆସନ୍ତି, ଇଏ କହିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ମାନେ ହ୍ୱିଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍। ସୋ ମ୍ୟାଡମ୍, ଘର ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଲେଗେସି ମାନେ ବାଲା ଫ୍ୟାମିଲି ତାକୁ ନେଇକି ଚଳିବା, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ବି କରନ୍ତି, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧରିକି ପୁଣି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବାର, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇନ୍ସପିରେସନଟା କେମିତି ଆସିଲା ମ୍ୟାଡମ୍? ନା, ଯେତେବେଳେ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସିଲି, ଆଇ ଡିଡ୍ ମାଇ ବୋହୁ ୱାଟ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଅ ବୋହୁ ଫୁଲ୍ ପୁରା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପନ୍ଦ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଇନର୍ଭିଲ୍, ଇଟ୍ସ ଅ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ଲବ୍, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କ୍ଲବ୍, ବଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦାଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିଲି। ଓକେ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଅ ମେମ୍ବର ଟିଲ୍ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବଞ୍ଚିଥିଲା ପନ୍ଦ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ମୁଭି, ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦିସ୍ ଦେ ହାଭ୍ ପାସ୍ ଅୱେ ନିୟର ଅବାଉଟ୍ 11 years, ଆଣ୍ଡ 11 years ଆଇ ଆମ୍ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ମାଇ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ବିକଜ୍ ମାଇ ଟୁ ସନ୍ସ ହାଭ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍, ସୋ ନାଓ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଗଟ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍। ଆଜ୍ ଇନ୍ ହାଉ, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ? କେତେ ବର୍ଷ? ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲା 23, ସାନ ପୁଅ କହିଲା 21। 23 ମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଲାଇକ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ସକ୍ଡ କି 23 years ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ 21 years। ସୋ ଏବେ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଅଛି ସାର୍, ଟୁଟୁ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେନା, ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋହୁକି ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ବୋହୁ, ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲି, ଆଜ୍ଞା ତୁ କହିଲି କାମ କର ଜିଲେ ଆପଣ ଜିନ୍ଦଗି ଜିଲେ ଆପଣ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବାଇକ୍ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ତ କଥା ପକାଇଲା ସବୁ କଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ଝିଅ କଲା, ଆଜ୍ଞା ଓକେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କର, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆପଣ ଦୁଇଟି ପୁଅ ହେଲା ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଡିଫରେନ୍ସ ଫିଲ୍ ହଉଛି କି? ଖୁଲାସା କରିନଥିବି rather if he gets also mistake tankar bhi tikke thai mistake nahi mu eta sunithili sir sabu bele je husband wife ro jodi wife ro je husband ro bhul hochi husband sorry koe jodi dui jan ko bhi bhul hochi tale husband sorry koe jodi wife ro bhi bhul hochi husband sorry koe kintu sir totally sorry hi koi na but say bahut ro bahut aur mor sabu ichha purna karanti because social work is not that easy when apan ko bhi mane time limit kichhi nathibo to motte kouthare objection nathai motte kouthi rules regulation mo husband karo nathai from the beginning from my father in law to my husband there is nothing but he is very 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 angry man au short temper I will not say but very angry but sorr why never sorr I don't think so he must have told to anyone ମୋ ପାଖରେ ତ କେବେ ବି ନାହିଁ, ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ କହିନଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଦୋଜ୍ ଥ୍ରୀ ୱାର୍ଡସ୍ କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଦୋଜ୍ ମ୍ୟାଜିକାଲ ୱାର୍ଡସ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟା କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ସାର୍। ମାନେ ସରି ନ କହିବାର କାରଣଟି କ'ଣ, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଲାଗେ କି ନାଇଁ ନା ମତେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦାଟ୍ ୱାର୍ଡ ନା ନା ସେଥିରେ ପିଲାଦିନ ମୁଁ ହେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବିନି ନିଶ୍ଚୟ, ବଟ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ରାଗ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତିନି ତିନିଟା ହିରୋ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ରାଗି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଡିସିସନ୍ ନେବି ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ କରି ଦେଖେଇବି। ଭଗବାନ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁଠି ହାର ମାନିନି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲୱେଜ୍ ପଜିଟିଭ, ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଏନି, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭଲ ହେଇପାରୁଛି ମୁଁ କରେ, ମୁଁ କାହାର ଖରାପ କରେନି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାବାଲି ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଇ ଏମ୍ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ପଇସା ଲଗାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟାର ହେଇକି ଆମେ ସେ ଖେଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଟ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଇସା ପକେଇଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେକ୍ନିସିଆନ ସବୁ ନାଚିବ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମେନ୍ ସେ ମାନ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦବା ଦରକାର, ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜାଗାରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ହବା ଦରକାର, ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ମୋତେ ଖେଳେ ମୁଁ ସବୁ କାଢ଼ିଦିଏ ନୂଆ ଠିଆ କରେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି,
କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଇଏ ମାନେ ମୁଁ ବସନ୍ତ ନାୟକ ପୁଅ ମୋର ଜିଦି ଗୋଟେ ରହେ ମୁଁ ନୁହଁ ବସନ୍ତ ନାୟକ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ ଇଜ୍ ମାଇ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ବସନ୍ତ ନାୟକ ଇଜ୍ ମାଇ କିଙ୍ଗ ଆମେ ହେଉଛି ସୋଲଜର ଫିଲ୍ମ କଲେ ନିଜେ କାମ ଖଟୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅନୁଭବ ଆଇ ଲଭ୍ ବେଳେ ସିଏ ବି ନିଜେ ସ୍ପୋର୍ଟ ବେସ୍ ବସି ଖାଇବ ଫାଇଟ୍ ବସି ଖାଇବ ସେଇଟା ହବା ଉଚିତ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ କେବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିନି ମୁଁ ବଡ଼ କେବେ କେବେ ବଡ଼ ଦେଖିନି ସବୁ ତମେ ଭାଇ ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକେ ଆସେ ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ଆଉ ସୋଲଜର୍ସ କଥା କହିଲେ ତଥାପି ସାର୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣ ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହଉଥିବ ସାର୍ ସେଇଟା ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ପେୟାର କରାହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଖୁସି ଲୋକ କହନ୍ତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଲିଜେଣ୍ଡ ବସନ୍ତ ନାୟକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଶାନନ୍ଦ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ହଁ ୟେସ୍ ଏତିକି କହିବେ ବାପା ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲା ପୁଅ ବି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନଟା ସେଇଆ ରହିଯାଏ କି ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଲେ ମ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ ରହିଯିବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଁ ସକ୍ସେସ ଦେଖିଦେଲି ତ ଲୋକ କହିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସାର୍ ଏବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡେଜ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରାଜ୍ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିକ୍ଚର୍ସ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାରୁ ଦେଖିକି ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଦ ମାର୍ଭେଲସ୍ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ରଚନା ହଁ ତ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଚନା ମାନେ ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ସେଟା ଟିକେ ଲୋପ ପାଇ ପାଇ ଯାଉଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଥାଏ ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବି ଏମିତି ହେଇପାରେ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଲିଜେଣ୍ଡର ଲିଜେଣ୍ଡରୀ ଆକ୍ଟର୍ସ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମିହିର ଦାସ ସାର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏବେ ସେଠି କମି କମି ଯାଉଛି ଉଇ ମାନେ ହାତ ଗଣତି ଆକ୍ଟର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଆଜ୍ଞା ସିନେମା ହଲ୍ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ବଦଳିଲା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯୁଗ ହେଇଗଲା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଗଲା ଯେଉଁ ଆମର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ପିକ୍ଚର ସୁପର୍ ଡୁପର୍ ହିଟ୍ ହୁଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଗଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗଲେ ହଁ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଘରକୁ ଆସିଗଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଘରେ ରହିଗଲେ ସିରିଏଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବସିଗଲେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗଲୁ କାହାକୁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡବିଂ ହେଇକି ଆସିଲା ଇଂଲିଶ ପିକ୍ଚର ତେଲୁଗୁ ପିକ୍ଚର ଯେଉଁ ଡବିଂ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲୋକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର୍ ବି ସେମିତି ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ହାତ ବାନ୍ଧିଦେଲେ 10-12 lakh ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଫିଲ୍ମ କରିକି ଆପଣ ବଜେଟ୍ ମାନେ କଲେ ଆମର ଯେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ କଲେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବନେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ବନେଇଥିଲେ ଯଦି ସେମାନେ 12-15 lakh ପିକ୍ଚର କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପିକ୍ଚର ହଲ୍ ଲୋକ କାହିଁ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ପିକ୍ଚର ବନାଉଛନ୍ତି ବାହୁବଲି ବନାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିବେ ବାହୁବଲି ପିକ୍ଚର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହୁବଲି ପିକ୍ଚର ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଦେଖିବ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ସାର୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଯେଉଁ ୱେବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଗଲାଣି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିଥିବେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ 2 ଦିନ ପରେ ସେଟା ଆପଣ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଆସିଯାଇଥିବ ଆମାଜନ୍ରେ ଆସିଯାଇଥିବ ସେଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ କିଣିବାର କଥା ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଲେଣି ବନେଇଲେ ଆଇନ କାନୁନ ନାହିଁ କ'ଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଲ୍ ରୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର 100% ଆଉ ଯେଉଁ ହଲ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଚଲୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚଲୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ହଲ୍ ବର୍ଷକୁ ଏତିକି ମାସ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଚଲେ ବାଧ୍ୟ ନହେଲେ ତା ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଉଥିଲା ତମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଇସା କମେଇବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟାଇମ୍ ତମେ ଡେଟ୍ ଦେବନି ମୁମ୍ବାଇ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଶିବସେନା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଲାକୁନା ରହୁଛି ଏଠି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି
गवर्नमेंट किसी सपोर्ट नहीं, प्रोड्यूसर्स सपोर्ट नहीं, एकजुट होबार माने एकता नहीं, एकता नहीं तेणु मो कहते बर्तन एवं भल टाइम आई तीन टाइम भल प्रोड्यूसर बाहर एवं गोटे झिलिक मोशन पिक्चर बाहर से जेन्युइन पिक्चर बनाऊँच से हॉल पे बनाऊँच से टीवी बनुनी आ गोटे यंग टोका बाहर प्रीतम साहू सी भी देख ली डेयरिंग अच्छी लाइक मुझे भावुची मो यंग बेले मुझे डेयरिंग थी एवं देखुची ये दिजन देखु प्रीतम एंड झिलिक डेयरिंग अच्छा एम जदि एकाठी करें मत लगे फिल्म इंडस्ट्री श्योर शॉट सक्सेस हो सर प्रोड्यूसर्स नुआ न बाहर बार कारण भी एटा हे परत है जे कि रिटर्न मिलुनी गुटे फिल्म कला परे के मिलुवा जे आज्ञा अपन 10 लाख भी 10 लाख कोन हो 10 लाख हमें फिल्म बोलु 40 दिन 50 दिन शूटिंग करतलु आज्ञा एबे 7 दिन शूटिंग सरी होची 7 दिन गुटे फिल्म सरी जो यस यू टेली फिल्म होची 10 दिन खेल 7 दिन रे शूटिंग खत्म डबिंग रे डायरेक्टर जाउना जी असिस्टेंट डबिंग कर दउची कोन करिवे अरे क्रिएटिव होबा पई भी टाइम तो टाइम नहीं टाइम नहीं सब चैनल में फिल्म बनुचो हां हां तो कोन हो बारे में कोन हो बहुत चल जी अंधर राज्य को दर्पण बिकी एटा होची फैक्ट नै सत सर आउ गोटे कथा सर तो फिल्म बिषय रे स्टार जो स्टार हमें जो माने कर माने क्वेश्चन कोट तो माने इट्स माय पर्सनल माने माने गोटे मोर फील अछि जे व्यू अछि रिव्यू अछि बाबूशान इज अ फुल पैकेज एक्चुअली माने मुंका भाया एक्टर डांसर और सिंगर आई एम इन लव विथ हिज एक्टिंग माने मते बहुत ही माने ही इज नॉट माने से बॉलीवुड एट पार माने बॉलीवुड से कहवा कथ नु बट ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर से एक्टर कहीं बाहर ना देखिए आप लगे से कैमरा निज एक्टिंग कर से प्रथम कौन थी हाँ। से उत्तम अंत अपराध पुह था देखो उत्तम दा टिके में मोर फैमिली बट गोटे पुह से चाहूल मो पु फिल्म लाइन में आस अच्छा यस टिके पा समयपुर गीत गाते तेरे चाहते मो पुटे सिंगर हो सिंगर हो गीत शिखुला आज्ञा देखो क्या भाग्य एक्चुअली क्या आहरी भी स्टार किड्स अच्छा कि का भाग्य कत अच्छी प्रीमियर महाराजा हल सी देख ली उत्तम दा टिकेपा माँ सुधा मैडम सब बस इंटरवल मत गोटे पिला मुंडिया मारा किए उत्तम दा जान पार बाबू बाबू मत गोटे भल लगला अच्छा इंटरवल सर गला फिल्म गुट देखी भल देखिए देख ली भल लगला पिक्चर भागला सीधा उत्तम देखा उत्तमता उत्तमता टे बिरयानी लोब अच्छा उत्तमता रविवार दिन मो घर को आसबे बिरयानी करबे आपण टिके बा बाबू हां आसबे आ मु बाबू नेक्स्ट भी हीरो करबे कर तो घर पिला हां रविवार आसला मो मिसेस बिरयानी कला आपण करले मैडम बढ़िया रोसे बढ़िया रोसे करत मु तो मो टीम रो बैकबोन थले रणजीत पटनायक मो राइटर स्वरूप नायक म्यूजिक डायरेक्टर एग्जाम डाकिले बापा देख लु लंच खाइल कमी अच्छी बढ़िया उत्तम दा फाइनल इज माय हीरो से तो डैड फेल करी तर कौन कर मणि बाबू जाए विलेज से तो हर भाई मोर हर भाई मोर ट्यूनिंग बहुत बढ़िया मुझे डायरेक्टर से कम कर हर भाई से कहीं भल पड़े सी मो पिक्चर में ओनली डायरेक्शन दिखती आ कौत मुंड खेला शुणिली हर कैंसर ट्रीटमेंट बाहर जाते जस्ट फेरी कहीं कौन इच्छा लगे जाऊँ हर देखा हर देखा मतलब हर से आक्ट लगे मुझे कथा कथा कहली हर आउट चैलेंज ना क्या कौन मुझे बाबू साइन कर देवे पुणी कर पिक्चर सी हूँ कामिका लोक काम तो देह खराब थाई कि भी करे टुटु चल करिवा पैशन से तो एक्चुअली संगे संग डिलरा रोमे दला मोर पाए से तो मु जे तो गीत सिखु दला मु कहली आको मु सिंगिंग स्टार बनेबी मोर चट्टा गीत तो दिल गाए पे से तो सुरज गाल देतिले आ गया से पापा बसर से गेल टुटु देख तू हीरो कोच ठीक अछि बट गीत से खेलला अच्छा बोले सुरज तो बसतो नहीं हमें नहीं से तो कलकत्ता रेकॉर्डिंग होतला आ गया
ओम स्टूडियो मुझे ठीक अच्छे कथा पड़े मु बाबू नहीं जाऊँ यदि लगे पारा अलग लगे सी कौन कहे अलग सिंगर नहीं जाते कटक को मो मिसेज जाते मुझे सांग नहीं जाए उत्तम दंड सांग नहीं जाती रमेश पटना जाते कलकटे गाँ बहुत झगड़ा से उत्तम उत्सुद भावे बाबू न मानी आपको नहीं गायदे बट मुझे से गायब गाइला मु रोमियो द लवर बॉय सर आउ टिके तले हिजो आउ गोटे लाइन भी हिजो गोटे लाइन काई गाइले तते देखिली भल पाइली भूली गली भूली गली भूली गली दुनिया वाह तनु मुझे मु चाहे मो हीरो गीत टाइटल सु सिखाउ आज्ञा अनुभव के प्रेमी नंबर नहीं थी आज्ञा ताकु भी मु सिंगर करी थी हां 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 कने आई लव द इंट्रोड्यूस करली त हीरो इंट्रोड्यूस करतली ने सी बहुत बड़ा डांसर भी सी बहुत ही सुंदर डांसर तांको बड़ा डांसर इंडस्ट्री में बहुत पसंद आई लव यू करते ली आज्ञा अनुगनी प्रमोशन में जाती बरमपुर हां हां सेते बेले सब ऑडियंस मन कहले गुडे डायलॉग ही जाऊ हां से डायलॉग कहला आज्ञा गुडे गीत ही जाऊ आज्ञा गीत कहला अरे ये तो बढ़िया गाउची अच्छा सेते मु दीरा भी अनाउंस करतली वर्षा मंडल के प्रेमी नंबर बट वर्षा मंडल गीत रेकॉर्डिंग ही इतला प्रेमी नंबर इतला बोली अनुभव तुम टाइटल संग गाइबो आज्ञा वाओ तेणु से गाइपर भी गायबू गाइला विश्वास कर अध घंटे गाइला बाबूशान ना भी ब्रजराज मुझे बाबूशान ना हूँ तन्मय ना तन्मय सुडोनेम बाबूशान बाबूशान ना डाक ना भल ना तन्मय 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 ना बाबूशान पठान भल लगेगा शान बाबूशान वेरी यूनिक नेम बहुत ही डिफरेंट फर्स्ट इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग ओके तर फाउंडेशन स्ट्रांग कर दुल सिंग स्टार तर मतलब बाबूशान तांकर टैलेंट भी देखु दो अनुभव अगुर एल्बम करतला हां बट बाबूशान कोन करतला बट मु जानि छी पापा मा आर्टिस्ट माने ता ब्लड रे थी एक्टिंग ब्लड रे सर किंतु बट स्टार किड्स भी आउरी आस्तुने जो माने के बट ये नहीं सर प्रथम ये करछंती प्रिपेयर होछंती प्रिपेयर पुन प्रिपेयर हे के होछंती बाबूशान प्रिपेयर हे नहीं प्रिपेयर ही इज अ बॉर्न टैलेंट वंडर बॉय व्हाट फर्स्ट डे शूटिंग में तेरा ही लो कि अति गुड तन मु गला सब तो क्रेडिट कौन देबी बापा मां को ब्लड रहछ न ना तो प्ले है क्रेडिट स्कोप दिया ल सब नहीं नहीं मते माने एक्चुअली बहुत ही तांकर एक्टिंग मोर जो सुन्ना पिल्ला टिके स्क्रू ढिला माने दैट्स माय फेवरेट ओडिया मूवी मते बहुत ही भल लागे मैडम सर जेमति कहले कि सब बेले से तो फिल्म रे बुड़ी की थांती घर को केते टाइम दियंती आपन को केते टाइम दियंती हां बहुत टाइम दियंती जते बेले किंतु फिल्म शूटिंग बेले सत्ते की जो पंद फिल्म शूटिंग स्टार्ट स्क्रिप्ट रु हां रिलीज पंद हां ना मु तांको स्त्री ना तांको दिटा छुआ अछंती घरे बोली जानंती जीरो ओके ता परे जो दिन प्रीमियर शो सॉरी जो ता परे मु मो वाइफ मो छुआ पुनी बने सत्ते पंद किछे नै फोकस थाय फिल्म पे आ गया आ गया मो पत्ते फिल्म मु चैलेंज बनाए से हर भाई मोर फेवरेट डायरेक्टर से मो सामने पिछे पकेबे हां मु छाड़ी दिनी दैट कंपटीशन हैज टू बी देयर बट हेल्दी कंपटीशन ऑफ अदर हम रिलेटिव छी बट मु चाहि मु हरेबी कहना मु बसन नै पु ब्रजराज मूवीज ब्रजराज मूवी ना लागिवो सेटे हार हार हो बस मैडम इत्ते वर्षर अपन मैरिज लाइफ भीतर सर कर गोटे एमती माने मु अपन जानियो छी पॉजिटिव ट्रीट एंड नेगेटिव ट्रीट नेगेटिव बधे तांको एंगर ता होबो बट अपन को पई अपन स्पेशली अपन को पई जेतु अपन लाइफ पार्टनर तो अपन बेसी भल से जानिथिबे जे तांकर गोटे गुण ता अपन बहुत अट्रैक्ट करे आज जे भी अट्रैक्ट करू छी एवं टिके आउ गोटे गुण जोटे कि अपन टिके एमती लागे सो सी दुटा कोण आगो पॉजिटिव कह दउ छी पॉजिटिव इज दैट ही हैज गॉट नो रेस्ट्रिक्शन फॉर मी ओके एंड ही बिलीव्स मी अ लॉट यदि हस्बैंड वाइफ देयर इज नो बिलीव व्हेन अ हस्बैंड डजंट बिलीव अ वाइफ सेट तो एंड आल्सो वाइफ डजंट हैव फेथ ऑन हस्बैंड ट्रस्ट रहिबा दरकार नो ता तो एवरी डे एवरी मोमेंट विल हैव कॉन्फ्लिक्ट हां हां अब सबले झगड़ा झाटी दैट विल बी कंटिन्यूइंग हां तो दैट ही हैज गॉट फेथ हां एंड लिबर्टी ही हैज गिवन मी फुल लिबर्टी माने बहुत रेयर बोध हस्बैंड माने थिबे वाइफ को एते लिबर्टी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैरिज हम 25 इयर्स हे गलानी 25 कांग्रेचुलेशंस केबे माने पूरी गलानी ना पूरी गलानी एंड आउ नेगेटिव हला एंगर तो एंगर बट मु जत्ते भी कहिले भी सपोज आई मे गिव अ सजेशन मे बी अ गुड सजेशन आल्सो बट ही डज अकॉर्डिंग टू हिज स्टाइल
মানে তারপরে আপনার সাজেশনটা মনে পকাইবে মনে পকাইবে বাট এটা যে সিধারে জিবে নি সে সাজেশন না আই অ্যাকসেপ্ট মাই ওয়াইফ সাজেশন নো ইট মে টুইস্ট এন্ড টার্ন কি সে সাজেশন দিয়া হবো বাট আই থিংক মাই সাজেশন ইজ देयर হ্যাঁ আই তারপরে আপনি জানি পারিবে গরে এটা তো মু কইতিলি কইতিলি সেই টাইম রে না নেভার গুড বলি কইবে গুড বলি কি কইবে না স্যার সেম কোশ্চেন টু ইউ অ্যাজ ওয়েল ম্যাডাম কর কোনটা আপনাকে মানে বহুতই ভাল লাগে আজ টাইম ভিতরে কো দেখলে মানে আই লাভ ইউ কয়া কো ইচ্ছা হবে পুনি কোটা গোটে যেমতে টিকে লাগে কি নাই এটা টিকে খটকিলা দেখুন তো অ্যাকচুয়ালি যেতলে তো বাইক আইলে দাগু দেখিনতলি আজ্ঞা মু মো প্রবলেম কইলে বো এয়া আজ্ঞা মে জো হু বো হু হাম নে সুধরেঙ্গে হাম নে সুধরেঙ্গে সমস্ত কইতলি বাট মু তো কইলে মো ফ্যামিলি মু বহুত ভাল পায় মো ফ্যামিলি মো জীবন আজ্ঞা তুমি মো বাপা মা কথা তো বুঝতো আজ্ঞা কারণ মো বাপা মা পাই তো বাইক আনিছি কেন কি মো লম্বের তো নি আজ্ঞা আজ্ঞা বাপা মা পছন্দ নেই আজ্ঞা সে যে আশা করে আনিছি এ মো বউ হলে মতো আমি দেখিব হ্যাঁ তো সেটা করিব আজ্ঞা সে তার সব নিবেলা সব গলা তার ভালো গুণ ডিউটি ইজ গুড কো পুরা মানে সব গুণ দউছি মু ভেরি ফুডি আচ্ছা মু পিওর নন ভেজ পিওর ইয়েস বাট ইয়ে উল্টা রসি জান নথলা আচ্ছা চা কো বনি জান নথলা কেন জমিদার ঘর আসছি আচ্ছা বাপা মা তাকে গোটে কাম করে দিন নথলে আজ্ঞা তা পছরে চা পেশা লোক রহুতলে আজ্ঞা বাট আম ঘর কোন কি আমি লোক রাখু রসি রসিটা আজ্ঞা মা করতলে আজ্ঞা বউ মানে করতলে আজ্ঞা সে দেখিলা মু তো কিছু কইনি সে দেখিলা মো স্বামী খাইলা গলা হ্যাঁ স্বামী ডকে বাঁধি রাখিব তো সে বহুত মানে ম্যানস মানে হার্ট রসে শিখিলা মু যো জিনিস আমরা আজ হোটেল খাইলি হ্যাঁ মানে স্টিম ফিশ খাইলি ভাল লাগিলা ভাল ভাল হচ্ছে তারপরে ডিট করে দেব ও জানি মো স্বামী ভাল লাগছে এটা আজ্ঞা করিব সেটা তো বহুত প্রসপেক্ট আজ্ঞা সেটা বহুত নই আজ্ঞা সেইতুমি বাপা মা গলা পরে আজ্ঞা মু কইল দেখ তুম ফ্যামিলি বহুত করলু হ্যাঁ তু তোর লাইফ লাইফ আ কোন টা টিকে নেগেটিভ এটা এত 25 বছর ভিতর তো কিছু না কিছু হেইতেবো নেগেটিভ শুধু মানুষ মাত্র রে কিছু বলতে সেটা তো সত্য মু কেবে নেগেটিভ নিয়েনি মু পজিটিভ তো নিয়ে পজিটিভ নেই জানতে তাকুই কয় কিট কিট করন্তি নিজে এত সময় বাহির রহুছো এত স্বামী স্ত্রী তো হবো সে সব ধরে লাগি সব শুনো আজ্ঞা সে সব মাইনর আজ্ঞা সেটা তো নালি प्यार बड़ी बनी प्यार बड़ी बनी प्यार रु मन पड़ला गोटे कथा सर एते दिन धरी के अपन इंडस्ट्री रे अछन सर माने मैडम टिके अपन खाना टिके बंद कर दे माने कथा होची केबे एते सुंदर सुंदर हीरोइंस मान को संगरे अपन काम करचंती तांको सराउंडिंग रे रहचंती केबे कहा पाई टिके इनफैचुएशन आसी जाय नी माने को हीरोइन पाई टिके जे नै सुंदर सुंदर कान बंद रे दुकान कान खोली चढ़ कान मु तो सद कह कान बुझे मैं जो हूँ सो हूँ शुणु आम फिल्म लाइन हिरो मैं फ्रेंडसीप हम सब हम हाँ तार मोर फेथ अच्छी फेथ अच्छे मुझे शुणु मुझे पजिटिव कम बेले से जानी रचना इज माइ बेस्ट फ्रेंड बट फिल्म बेले तो छत्तीस आंकड़ा अच्छा कहीं देखो जो प्रड्यूसर हिरोइन हिरो सहित दोस्ती कर फायदा उठे हां तो ये तो जो कथा रे जो अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या तो मोर टाइमिंग था ये टाइम सारी रची हां मोर शेड्यूल ही था हां हमरा जो 3 दिन शेड्यूल होची हां फर्स्ट डे या शूटिंग हो सेकंड डे इमर कोन तो फायदा उठे देबे जे मोर देह भलो नहीं काली देह भलो लागनी नो टाइम केन 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 आर्टिस्ट पे समझ बंद आई जदी हम मुसल तो ये देखेनी हम शूटिंग सरला पर फ्रेंड हां काम बेले कामटा हबे प्रोफेशनलिज्म ता रहिबा दरकार मु दोस्ती करके भलो मूड रे काम आ जाय करे आज्ञा फ्रेंडशिप करके आज्ञा हमर मन के बेस मन के क्रश हो जाय नी कहा प्रति सुन तू मन ले कोन हो जे फैक्ट फैक्ट स्त्री ही सुन तू आज भर दू जते भलो जा को स्त्री तो सुंदर अपन माने नहीं नहीं घर गले स्त्री हम तो पकर रहबो आ सब देखावा सब देखावा सेत देखु पिला दिन फिल्म माहौल बड़ी छी आज्ञा दिखावा दिखावा जो फैक्ट प्रैक्टिकल मैंने बहुत ही सुंदर कथा कहले सर सर एवं मुझे जानवाक चाहिए एवं जो दिग्गरे एवं इंडस्ट्री बढ़ुची आप कौट देखुं इंडस्ट्री को जदि ये भितर इंटरप्ट करने को चाहिए कारण जो कलर अच्छा नहीं जावा हेलो हेलो सर नमस्कार किए कौन कौट कौन सर आज्ञा सर आम सांग संजय नायक सर अच्छा अनुराधा मैडम अच्छा कथा हेबे नमस्कार नमस्कार बस
ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହିଛି, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଚ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନର, ମୁଁ ବଡ଼ ପିଚ କରିଆସିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ହଲ୍ ବହୁତ ଖୋଲିନି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟାନର ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକେଇବିନି, ସେଇ ଉପରେ ପିଚ ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ପିଚ ବନେଇଛି, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି କି? ଯେତେ ଭଲ ବିଲ୍ ବନେଇଲେ ବି ଆମେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ, ମୁଁ ପଇସା ଲଗାଉଛି ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ମନି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ରିଟର୍ନ ନ ପାଇବି ତାହେଲେ କାହିଁକି କହିବି? ମୁଁ ଜଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଟାଇମ୍ ମନା କରୁନି, ଭଲ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ମୁଁ ଲସ୍ କାହିଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ମନି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସାର୍, ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେମାନେ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ସେଥିପାଇଁ, ଆମେମାନେ ଯଦି ନ ଯିବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇବେ? ସମସ୍ତେ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର୍ ନକ ନେବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଗାଁରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଲ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମର ପଇସା ଆସୁଥିଲା ମସ୍ତ ଗାଁରୁ, ଆଜ୍ଞା ହଲ୍ ନାହିଁ, ହଲ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଆଇନକ୍ସ ସିନେପୋଲିସ୍ ଲାଭ କ'ଣ? 300 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କିଏ ଯିବ? ସୋ ଆମକୁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବି ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରମୋଟ୍ କିଏ କରିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ଫିଲ୍ମ କଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଫିଲ୍ମ ବିକି ଦିଅ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଥିଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ କଲର୍ ପେଜ୍ ଭରୁଥିଲା, ତା ରେଟ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି? କେଉଁ ପିକ୍ଚର ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହେଲେ ଟିକେଟ୍ କମିଯିବ, ଲୋକ ବେଶୀ ଦେଖିବେ, ବଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ମେସେଜ୍ ଥିବ କି କ'ଣ, ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ ଟିକେଟ୍ କାହିଁ କମିଲାନି? କିଏ ଦେଖିଲେନି? ଟିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ 15 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 8 ଥିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉଠେଇଦେଲେ, 8 ଉଠିଗଲା, 7 ହେବା କଥା, 7 ହେଲା 70, ଏବେ ହେଲାଣି 100-150, କିଏ ଯିବ? କିଏ ଯିବ? ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଗଲେ 3-4 ଜଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ବଟ୍ ସାର୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସମୟର ଟିକେ ଅଭାବ, ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ସମୟର ଦାସ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଥିଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ବୋଧେ ଦିନଟେ ଦରକାର, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମ୍ବିସି ତରଫରୁ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ବି ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍କୁ ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ, ବହୁତ ହି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ।